वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। हमने स्टार्ट किया था HAP फर्स्ट का पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस की। तो होम्योस्टेसिस इज सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस इन विच द बॉडी एडजस्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट अनचेंज्ड विद इन नैरो लिमिट्स। तो होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को पहले जैसा मेंटेन रखने का प्रयास करती है, लेकिन कुछ लिमिट्स में यह पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाती जैसा कि यह हमारी बॉडी पहले थी। जैसे कि कभी कभी हमें फीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को कम करने का कुछ हद तक प्रयास करती है, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं कर पाती है। लिटरली होम्योस्टेसिस का मतलब ही अनचेंजिंग होता है, मतलब कि न चेंज होना। तो आगे बढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस इज मेंटेन बाय कंट्रोल सिस्टम। तो हमारे बॉडी में कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट में हुए चेंज के अकॉर्डिंग होम्योस्टेटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला डिटेक्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर, तीसरा इफेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है हमको कि डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट करता है। तो हमारी बॉडी में जब कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको डिटेक्ट करके यह सिग्नल को कंट्रोल सेंटर तक भेजता है। कंट्रोल सेंटर उस सिग्नल को कलेक्ट करके उसके रिस्पॉन्स में एक सिग्नल इफेक्टर को भेजता है और इफेक्टर अपना इफेक्ट शो करता है।